हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी बार्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप इनका हेयर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट हेयर है, बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों के हेयर होते हैं, जिनकी वजह से लोग सोचते हैं कैसे हेयर पे कौन सा कट करवाएं जिससे कि हेयर अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट हेयर है। तो उसी पे आज मैं आप लोगों को जो है कटिंग दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से करें। देखिए ऐसे हेयर पे, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा पतली, आप बालों की क्वालिटी पहले चेक कर लिया कर। जैसे इनकी हर एक बाल की क्वालिटी बहुत पतली लेयर है इनकी, तो इस पे अगर हम कोई स्टेप्स भी डालेंगे तो वो भी उतना अच्छा लुक नहीं देगा, क्योंकि बाल जो है नीचे से इनके मुड़ जाते हैं अपने आप से ही, क्योंकि वो लाइट वेट होने की वजह से उस तरीके से मुड़ जाते हैं नीचे से। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए बालों को हाफ ऑन हाफ इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी और बहुत ही सुंदर सा लुक भी आएगा। तो हाफ ऑन हाफ डिवाइड कर लेंगे, बालों को सामने की तरफ अच्छे से कोम करते हुए लेके आएंगे, और इनको शॉर्ट भी नहीं करवाना है, सिर्फ कट करवाना। तो देखिए मैं उसके लिए मैं कितना कट करें, बिल्कुल 1 इंच मैं नीचे से निकालती हूँ, 1 इंच ही निकाली, क्योंकि क्लाइंट्स लोग बाल जब जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाए रहता है तो लोग ये सोचते हैं कि बचा ही क्या है जो हम कट करवाएं। तो ऐसा नहीं है, आप ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट करें तो ही लुक अच्छा आएगा, आप कम कटिंग करके भी बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं। तो दोनों तरफ एक जैसा ही कट कर ली मैं, और उसके बाद अभी मैं इनको जो है साइड बैंग्स कट करने वाली हूँ सामने से। तो उसके लिए देखिए कान के सामने से थोड़े थोड़े हेयर्स को ले लेना है, आप देख सकते हैं कान के जस्ट बहुत ही आगे से लेना है आपको, ना तो कान के पीछे से लेना है ना ऊपर से लेना है, क्योंकि हेयर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा थिक लेयर सामने से कट कर देंगे तो पीछे से हेयर बहुत ही कम बचेंगे। इसके लिए आप इस तरीके से ही करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ कर लें। साथ ही एक छोटी सी बेल आइकन होती है, आप उसको साथ ही साथ दबा दीजिए, क्लिक कर लीजिए, ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ में अपडेट रह सकें। तो देखिए सामने ला के इस तरीके से 2 बार ट्विस्ट करके कट कर देना है, और उसके बाद में हाफ एन आप डिवाइड करके मैं इस पर देखिए इस तरीके से इसको पकड़ूँगी और हल्का हल्का सा स्लाइस कट कर दूंगी, बिल्कुल स्लाइटली। एक जगह सीजर को रखना है और आपको उठाना नहीं है, और बिल्कुल नीचे की तरफ खिसकाते हुए चले जाना है। इससे शेप बहुत अच्छा आता है। तो फ्रंट से क्या है कि अगर आप कोई हेयर कट लेते हैं और फ्रंट से हेयर कट नहीं करवाते तो फिर वो लुक पता नहीं चलता, फ्रंट से आपका फ्रंट लुक बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, चेंज नहीं होगा। इसके लिए कभी भी हेयर कट लेते हैं तो आप अपने फ्रंट का ज़रूर हेयर कट करवाएँ, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो ये इस तरीके से स्लाइडली कट कर देना है, सीजर को एक जगह रखनी है और नीचे खिसकाते हुए बस चले जाना है। और बीच के बालों को मैं थोड़ा सा उठा ली हूँ, उनको शॉर्ट करूँगी ताकि पफ वगैरह अगर बनाएंगी तो सामने फ्रंट की तरफ एक एक लेयर निकालने में काफ़ी आसानी होगी और बहुत ही प्यारा सा लुक भी देगा। और अगर मेरे बताने और समझाने का तरीका आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। इस तरीके से कि वीडियो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, लोग जिनके हेयर फॉल बहुत होते रहते हैं, बहुत डरते रहते हैं हेयर कट करवाने से, तो आप इस तरीके की वीडियो शेयर करके उनको दिखा सकते हैं कि नहीं कम कटिंग से भी बाल आपका बहुत खूबसूरत दिख सकता है। और इस तरीके से पीछे ला के अभी मैं पीछे से जो है लास्ट अच्छे से फिनिशिंग दे दूँगी। उसके लिए सबसे पहले सेंटर का कट करेंगे हम, देखिए और सेंटर से गाइडलाइन निकालना है, साइड के बालों को कट करते हुए चले जाना है इस तरीके से। बहुत ही आसान है और देखिएगा बहुत अच्छा लुक भी आ जाएगा। जितना भी इनका अनइवन हेयर है उसको मैं कट कर दे रही हूँ नीचे नीचे से। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि समय समय पे आप अपने हेयर की अच्छे से केयर किया करें, जैसे स्पा लेना हो गया, हेयर कट हो गया, इस तरीके की चीज़ें अपने हेयर पे, हेयर मास्क वगैरह हो गए, सारी चीज़ें आप लगाया करें। अभी तो मार्केट में भी आपको हेयर मास्क बिल्कुल रेडीमेड अवेलेबल मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ एक जैसे ही कर लेना है, और ये बाल ऑटोमेटिक ही देखिए सूख भी चुका है लगभग, क्योंकि क्वालिटी बहुत बालों के लिए बहुत पतली है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से कोम करके कि ये कैसा लग रहा है।
सारे बालों को पीछे लेके आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप सब बताइएगा ज़रूर कि आप सबको कैसा लगा। देखिए कितना जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी अच्छे से जो है हाइड हो गई है, वो उतने हेयर कट जाने से ही बालों का लुक इतना प्यारा आने लग आ गया है और बाल बहुत ही अच्छे घने भी दिखने लगे हैं। तो मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिप बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। बाय।